मेरी प्यारी टी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो। दोस्तों, हम आ गए हैं नेक्स्ट वीक में और अब से हमारी जो डाइट है हेल्दी हो गई है। जैसे कि आप लोगों को बता दूँ, मैंने 2-3 किलो वज़न बढ़ा लिया है, जिसको मुझे जल्द से जल्द रिड्यूस करना है। उसी के साथ इसी हफ्ते में सैटरडे संडे हम आउटिंग जाएंगे, तो उसका भी मैं वीडियो इसी में ऐड कर दूँगी, ताकि आपको पता चले सैटरडे संडे को मैंने क्या क्या चीट मील लिया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी आप वेट लॉस जर्नी करते हैं या आपको वेट लॉस करना है, तो आप चीट मील खाते रहिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना भी है और बहुत लोग मुझे बताते भी हैं कि चीट मील हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। नहीं, इससे क्या होता है ना दोस्तों, आपकी बॉडी, अगर आप हेल्दी फूड ही खाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएगी इसी फूड की। और जैसे ही आप कोई ऐसा मील खाएंगे जो चीट मील में कंसिडर होता है, तो आपकी बॉडी उसको एक तो इनटेक नहीं कर पाएगी, दूसरी चीज़ कि उस एक चीट मील से या उस दो चीट मील से आपका वेट बहुत जल्दी गेन होगा। तो आपको अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ का हैबिचुअल नहीं बनाना है, हमेशा जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसी से हमको वेट लॉस करना है। तो चलिए दोस्तों, ये वाला वीक देख लेते हैं। और आज का ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के ये वाला वीक देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत हुई थी पानी से। पानी के 10 से 15 मिनट बाद आज मैंने खाया था एक पपाया। पपाया आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और पपाया मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को, मैं हमेशा ये पपाया लेके आती हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ गए ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट मैंने 8 से 8:30 के बीच में कर लिया था। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पोहे, बहुत कम तेल में बनाए थे। इसमें मैंने प्याज डाला था और बहुत सारी वेजीज डाली थी, जिससे ये बहुत हेल्दी हो जाएगा। और आप देख ही सकते हैं मैंने कितना कम क्वांटिटी में लिया है, इतनी ही कम क्वांटिटी में आपको भी खाना है। अब हम आ गए हैं लंच में। लंच में आज मम्मी ने बनाए थे गेहूं दाल के पराठे। तो आप इस तरीके के पराठे खा सकते हो। मैंने सिर्फ एक पराठा खाया है और इसको हम देसी घी में बना के खाया है। दोस्तों, इस डाइट में आपको तेल का यूज़ नहीं करना है, तेल की जगह आपको देसी घी का यूज़ करना है। दोस्तों, इवनिंग स्नैक्स में आज मैंने खाए थे बॉयल्ड अंडे। ये 4 अंडे थे जिनको मैंने थोड़े से प्याज के साथ सर्व किया था, तो ये मेरा इवनिंग स्नैक्स था। उसके बाद डिनर में दोस्तों आज हमने बनाया था मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। तो वड़ा पाव मैं नहीं खा सकती थी क्योंकि एक अनहेल्दी चॉइस होती, इसलिए मैंने जो आलू की स्टफिंग थी वो पाव के अंदर भर के सिर्फ वही खाया। तो ये मेरा डिनर भी हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके का मेरा ये वीक गया था। और आगे के वीक, मतलब आगे का वीडियो है, उसमें मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई फॉर द शॉपिंग। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया हो। दोस्तों, आज से हमारे घर में दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है, हमें बहुत सारा सामान लेना है, तो आज से हम बाहर जाएंगे। तो मम्मी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज थोड़े से बर्तन की शॉपिंग कर लेते हैं। आज हम बर्तन की शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, आज हम बर्तनों का रेट देखने जा रहे हैं। उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो ही लेंगे, है ना। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हमें बहुत बड़े वाले मार्केट में जाना है, तो हम वहीं से ले लेंगे। आज सिर्फ हम देखने जा रहे हैं कि किसका रेट क्या है, और बहुत सारे सामान लेना है, और घर की सफाई भी शुरू करनी है। तो सफाई के लिए तो हमारे पास काम करने वाली बाई है, अंशिका कर देगी, पर शॉपिंग के लिए हमारे पास कोई नहीं है, तो हम दोनों ही जाने। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शॉपिंग में हमने क्या क्या खरीदा है। तो चलिए मिलते हैं शॉप पे। तो दोस्तों, यहाँ पे तरह तरह के बर्तन थे। मम्मी को जो लेना था वो है बाटी मेकर, तो मम्मी को एक अच्छी क्वालिटी का बाटी मेकर लेना था, तो मम्मी वही देख रही है। ये वाला जो बाटी मेकर था, इसका प्राइस कम था और इसकी क्वालिटी मम्मी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए मम्मी ने ये नहीं लिया है। उसके अलावा मम्मी और भी बर्तन देख रही है कि घर में क्या क्या हम ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ लगी जो मैंने ली है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस तरह की बाल्टी ली है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे इसमें दाल डालने के लिए, और मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी देखा है कि इस तरह की बाल्टियों में दाल डाला जाता है। तो ये मैंने एक ली थी, और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बर्तन थे, ये हमने ले लिया था। कितने का? कितने का? 450। देखो तो कैसा है निकाल के, अच्छा है ना।
इससे कॉस्टली रेंज का नहीं है भैया? दोस्तों ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इस तरीके का बर्तन, इसमें पानी पीने से बहुत अच्छा रहता है। तो मम्मी ने लास्ट में ये वाला बाटी मेकर सिलेक्ट किया। इसका प्राइस थोड़ा उस वाले बाटी मेकर से थोड़ा ज़्यादा था, बट प्राइस बाद सेकेंडरी चीज़ है, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए मम्मी को इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, इसलिए मम्मी ने ये वाला लिया है। उसी के साथ आगे हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, जैसे कि हमें घर में घर के लिए कप्स और जो भी डेकोरेटिव आइटम है वो भी लेना है। तो देखते हैं क्या क्या लिया हमने। मुझे एक मग लेना था, मैं मग्स की डाई हार्ट फैन हूँ, मेरे पास बहुत सारे मग हैं। तो मग ढूंढते ढूंढते मुझे ये इतना क्यूट लगा ना, ये बहुत क्यूट था, पर मैंने मम्मी को बोला मुझे दिलाओ, मम्मी ने नहीं दिलाया, तो होपफुली मैंने इसको रख दिया। उसके बाद मुझे एक छोटू से गणेश जी लेने थे, क्योंकि मेरे जो घर के गणेश जी है वो थोड़े से खंडित हो चुके हैं, और हमारे घर में कोई भी चीज़ थोड़ी भी टूट जाती है ना तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो गणेश जी को जो गणेश जी थे जो थोड़े से खंडित हो गए, तो उनको हम मंदिर में रखने जाएंगे। तो मम्मी ने बोला था रखने से पहले हम एक और मतलब गणेश जी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा गणेश जी हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि छोटे से ही चाहिए। हमारे पास एक बड़ी सी मूर्ति हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, जब हम इस नए वाले घर में आए थे तब वो उसी मूर्ति की पूजा हुई थी, इसलिए हम देख रहे हैं छोटा वाला। तो मैंने सबसे छोटा वाला ले लिया है।